ठाकुर कुंज बिहारी लाल
अदा है तेरी बाकी। ठाकुर कुंज बिहारी we
जय 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 जय
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ देखो ये जो महीना है ये महीना का नाम श्री पुरुषोत्तम महीना है। इसी महीना में कल हम सुन रहे थे ना, ठाकुर जी ने कहा जब तुम मेरे शरण में आ गया, क्योंकि इस महीना को साधारण लोग मल मास कहते हैं, कोई शुभ काम ये महीना में करते नहीं, लेकिन इन्होंने श्री ठाकुर जी की शरण में गए। ठाकुर जी ने कहा जब तुम मेरे शरण में आ गए अभी जगत में सबसे बड़ा तुम बन गए, क्योंकि भगवान की शरण में जाने पर जीवन का जितने दुख कष्ट सारे समाप्त तो हो जाता है। ठाकुर जी बोले इसी महीना में साधारण लोग तो कोई शुभ काम करेंगे नहीं, जो वैष्णव जन होंगे वो सारे शुभ का कर्म इसी महीना में करेंगे। भगवान के नाम जितने करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करनी चाहिए, गिरिराज परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, मंदिर परिक्रमा, ठाकुर जी का आरती दर्शन करना और भक्तों के मुंह से भगवान की कथा सुनना, इसका इसी महीना में विशेष महत्व। भगवान ने बताए इसी महीना में अगर थोड़ी सी मेरे लिए कोई भक्ति करते हैं ना, एक गुना करते उसको हजार गुना फल मिलेगा। और विशेष करके बताए इसी महीना में ये जो भागवत कथा सुनना, ये ब्रह्मा जी कहते हैं इसका तो इतने महिमा जिसका कोई सीमा नहीं, ये भागवत कथा सुनने का सबसे ज़्यादा महिमा इसी महीना में। इसलिए स्थान स्थान पर आप ब्रज में जाओ, ये करुणा है, अभी कोई मान नहीं रहे। दिल्ली में इधर उधर अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे थे सोच रहे थे कोई 81 वाला को ढूंढ, मिला ही नहीं कोई, सबके सब बिजी, सब जगह में भागवत कथा हो रही है, हैं सब जगह पर, मैं बड़ी ढूंढते ढूंढते परेशानी हो गया, कोई 81 वाला मिले हमें 81 बजा निकले, सब कुछ पूछा भागवत कथा भागवत कथा सब भागवत कथा, क्योंकि इसी महीना में भागवत कथा की विशेष महत्व। इसी महीना में कारण है जो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है जिसमें धर्म प्रोजीत कैतवत्र परम निर्मत शरणाम सताम, जिसमें कोई कपटता धर्म नहीं, जिसमें शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति की विषय पर जिस ग्रंथ में वर्णना की गई। इसलिए जत वैष्णवानाम प्रियम, ये भागवत ग्रंथ वैष्णव लोग विशेष विशेष करके ये ग्रंथों को आदर करते हैं, ये भागवत ग्रंथों को हैं। इसलिए जहाँ पर ये भागवत कथा हो, साधारण जीव की बात छोड़ दो, जब भागवत कथा हुई ब्रह्म लोक से, शिव लोक से और स्वर्ग लोक से जितने बड़े बड़े देवता लोग भी आए, यहाँ तक जितने वशिष्ठ पराशर व्यास
जितने बड़े बड़े सबके सब साधु लोग भी कथा सुनने के लिए आए। कभी यहाँ तक भी गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी ये मूर्तिमान रूप से लेकर के उन्होंने ये भागवत कथा सुनने के लिए आए। और देवता लोग स्वर्ग से क्या किया, उन्होंने पारिजात पुष्पों की बौछार की और शंख बजाए, नागाड़ा बजाए और वहाँ पर भगवान के नाम की जयकार देते हुए बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। देवता लोग को जयकार कर रहे, तुम लोग है जय क्या बोल रहे हो, अरे जोर से बोलो ना, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए देवता लोग भी इसी महीना में है भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। इतना महिमा ये भागवत ग्रंथ की है, इसलिए ये भागवत कारण है। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, ये स्वयं तेन अयंग बांग मई मूर्ति, जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, उद्धव जी बोले प्रभु मैं किसकी सहारा लेकर के रहूं, बोले मैं तो एक स्वरूप में जा रहा हूँ, कलयुग में मैं दूसरे स्वरूप में रहूँगा, बोले किस स्वरूप में रहोगे, बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में। अगर कलयुग में ये भागवत कथा कोई श्रवण करे, कहते भागवत सुनना और भगवान से मिलना कोई फर्क है नहीं। और विशेष करके श्री पुरुषोत्तम देव कौन, श्री जगन्नाथ जी, इसलिए श्री जगन्नाथ क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र, ठाकुर का नाम भी श्री पुरुषोत्तम, जगन्नाथ जी का नाम श्री पुरुषोत्तम ही है, इसलिए राजा का नाम भी वहाँ पुरुषोत्तम देव, सब पुरुषोत्तम। अब विशेष करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और इनको सुदर्शन को सामने बैठ करके ये भागवत कथा सुनने का विशेष विशेष महत्व, विशेष करके इसी महीना में। मैं तो हर साल दिन में दो दो कथा करता था, सवेरे एक कथा करता था, शाम को करता था, क्योंकि इतने लोग कथा कराने वाले होते थे, फिर समय नहीं होता था। मैंने कहा ठीक है, एक नौ से नहीं तो दस से एक तक कर दूंगा, नहीं तो तीन से फिर मैं सात तक कर दूंगा। इसलिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कल से हम भागवत कथा जितना दूर हो सकता है, हमारे ये भक्त लोग में थोड़ी सी बोलूँगा, हमारे जनार्दन थोड़ा बोलेगा, नवीन प्रभु चिराग सबके सब भागवत पढ़ करके आना, थोड़ा थोड़ा सबके सब भागवत कथा पर भागवत की महिमा जितने हो सकता है कोशिश करेंगे ये पुरुषोत्तम महीना में जितना दूर हो सके। अभी छः सात दिन है ना, अभी छः सात दिन है, इसलिए भगवान की भागवत भागवत कथा सुनेंगे, क्योंकि जो भागवत ग्रंथ हैं बोले इसमें साक्षात तेन अयं बांगमयी मूर्ति, भगवान स्वयं शब्द ब्रह्म रूप में ये भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी प्रकटित हुए। कहते भागवत कथा की इतने महिमा, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह भी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रुत, अगर ये भागवत कथा को कोई सुन ले, अगर ये भी नहीं हो अनुपठित, अगर भागवत ग्रंथ हो कोई पढ़े हैं, श्लोकार्ध में बचा कहते एक श्लोक हो, नहीं तो आधा श्लोक हो, बोले आधा से भी आधा श्लोक अगर किसकी घर में ये भागवत ग्रंथ की पढ़ाई हो, कहते वहाँ पर साक्षात श्री जुगल सरकार की निवास, उसी घर में ठाकुर जी का निवास होता है, हैं? इसलिए आदृत व अनुमोदित, अगर ये भी नहीं हो पाए आदृत, आदृत मतलब कहीं कथा हो रही है थोड़ा आदर कर लिया, भागवत कथा हो रही बहुत अच्छी कथा, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। कहते अगर इतनी सी बात कोई बोल देना, बोले सद्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह भी, देखो कितना बड़ी बात कहते हैं। अगर इसने कभी विश्वद्रोह किया, कभी इसने देवद्रोह क्यों नहीं किया, अगर केवल अनुमोदन कर दिया ना, उसी समय में ही वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होकर के सीधा भगवत लोक को चले जाते हैं। इसलिए बोले ये जो भागवत धर्म है कत न स्खलेत न पतेत, इसको कोई कोई गिरने का कोई चांस नहीं, न स्खलेत, स्खलित मतलब एक व्यक्ति कब गिरेगा, जब प्यार फिसलेगा तब तो गिरेगा ना,
कहते ये भागवत मार्ग इतने प्रशस्त मार्ग है, इतना बड़ा प्रशस्त मार्ग, न स्खलेत न पतेत, यह प्यार कभी स्लीप करने का कोई चांस ही नहीं, फिर तो जा करके कहीं गिरेगा। कत निबिलन वा नेत्रे, मतलब है एक अगर ये भक्ति मार्ग में आंख बंद करके अगर दौड़े, कहते आंख बंद करके दौड़े, दौड़े मतलब क्या है, जैसे आप दौड़ रहे हो, दौड़ते समय क्या होता है, जहाँ प्यार रखनी चाहिए प्यार वहाँ नहीं गिरता है, दौड़ रहे ना पता नहीं चलता ना कहाँ प्यार गिर रहे। इसका मतलब है कहते अगर भक्ति धर्म जाजन करते करते, जैसे शास्त्र ने बताया, महाप्रभु बताया ना, जो 100,000 हरिनाम नहीं ग्रहण करते हैं उसका हाथ का दिया हुआ चीज में ग्रहण नहीं करता, हमें पता ही बात, लेकिन 100,000 नाम पूरी नहीं कर पा रहे, कोई 25,000 करता है, कोई 8 फेरा करता है, कोई 4 माला करता है, कोई 32 माला करता है, क्या उसमें कोई हानि क्या है, बोले नहीं इसमें कोई हानि नहीं, आप जितना करोगे सल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महत भया। ये भक्ति धर्म में भगवान कहते हैं अगर थोड़ी सी कुछ कर दो, सल्पम थोड़ी सी, अनजान में भी तुमसे, अनजान में भी तुलसी परिक्रमा हो गई तुम्हारी, कहते ना ये कार्तिक महीना था, किसी भक्त ने ठाकुर घर में दिया जलाने दिया, दिया बुझने जा रहा था, एक चूहा ने तेल खाने का लोभ से पहुंचा, तेल पीते पीते उसको दांत में बत्ती लग गई और उसने पीछे हटा, हटा तो दिया जल गया, वो बुझने जा रहा था, मुंह में आग लगते ही 2-4 बार उसने छलांग लगा दिया, देखो ठाकुर कितने दयालु। बोले बाबा कार्तिक महीना, और कार्तिक महीना आपको बताया गया, कार्तिक महीना की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री राधा रानी, लेकिन इसी महीना की उससे भी ज्यादा महत्व ये पुरुषोत्तम महीना की, उससे भी ज्यादा महत्व है। इसलिए ठाकुर जी बोले देखो दिया बुझने जा रहा था, उसने क्या किया, दिया को तेज कर दिया और मुंह में आग लगते ही 2-4 बार छलांग लगा दिया, मतलब मेरे को आरती उतारते हुए उसने मेरे सामने नृत्य की, अगली जीवन में राजकुमारी बनकर के जन्म हुई और भगवान की भक्ति करती रही और ठाकुर जी अपना पटरानी बना करके अपना धाम में दे दिया। इतना महिमा, कोई एक कबूतर था, कबूतर किसने काट दिया, काट दिया तो था भगवान की मंदिर, अब देखना मरते समय कबूतर फड़फड़ाते हुए हैं, पंखों को फड़फड़ाते फड़फड़ाते करते 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 ऐसे करते करते कैसे कैसे मंदिर को परिक्रमा कर लिया और ठाकुर के सामने प्राण छोड़ दिया। ठाकुर जी इतने दयालु, इतने ठाकुर जी कृपालु, भले मेरी परिक्रमा करते करते सर ही छोड़ा, भगवत धाम में स्थान दे दिया। इतने महिमा ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी कुछ कर दो, जान अनजान में भी भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु, जान अनजान में भी ठाकुर के लिए कर दो ना, ठाकुर जी उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें भी ठाकुर जी हैं कृपा कर देते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, इतना। इसलिए इसी महीना में कथ भागवत कथा सुनने का बड़ा महत्व है। क्यों, ये जो भागवत है, बोले सर्व वेदांत सार ही श्रीमद भागवत मिश्यते तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रचिकोचित। जो भागवत ग्रंथ है सर्व वेदांत सार, जितने वेद पुराण उपनिषद और निचोड़ है, कहती ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य, अगर कोई भागवत का रस को कोई पान कर ले तो उसका और कोई रस में उसको पीने की रुचि नहीं रह जाएगी, अगर ये भागवत रस को पान करे तो। इसलिए इसलिए भागवत ग्रंथ नहीं, कहते रसमालयम, ये रसी रस है, ये भागवत नहीं, ये पूरा रस है। कहते सद्य हृदय अवरुद्धते कृति भी सुसुसुभी तत्क्षणात्, कहते इसका इतना महिमा, जैसे मंदिर में कथा हो रही है, अभी कथा में नहीं आई, घर में बैठे हो, आपको पता चला भागवत कथा हो रही है, आपको पता चली गया, अगर कुछ ने बोल दिया बहन मैं नहीं जा सकती तू चले जा, ये घर का काम मैं संभाल लेती, तू चले जा कथा सुनकर आ जा हैं, अगर नहीं तो किसकी इच्छा हो गई मैं कथा सुनने जाऊंगा नहीं तो जाऊंगी, इतना इच्छा होते ही सद्य, सद्य मतलब होता है उसी समय में ही भगवान क्या करते हैं उसका हृदय में बंद हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी घर को अंदर में जाए, अपने आप को कुंडी से लगा करके बंद कर दे,
ऐसे ही ठाकुर जी बांके बिहारी जगन्नाथ जी उसके हृदय में बंद हो जाते, ठाकुर जी निकल नहीं पाते, केवल सुनने का इच्छा मात्र से। अगर सचमुच से कोई अगर आ गया और भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। वो व्यक्ति कितना सौभाग्यवान, वो व्यक्ति कितना सौभाग्यवान है। इसलिए ये भागवत कथा की बड़ा महत्व है इसी महीना में कथा सुनने का, ठीक है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सकता है भागवत की, सब लोग एक एक विषय पर लेकर के एक एक विषय पर, आप लोग ज़्यादा बोलना, मैं थोड़ी सी बोलूँगा, ठीक है ना। इसलिए उसको बांट लेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट को कौन बोलेगा उसी विषय पर ही भागवत को सुनाना, इधर से उधर नहीं, उसी सब्जेक्ट पर सबके सब बोलेंगे। और कोशिश करेंगे जितना दूर हो सकता है इसी महीना में हम ये भागवत कथा जितने हो सकता है उतना सुनने के लिए हम कोशिश करेंगे। और कोई म्यूजिक फ्यूजिक नहीं वाला नहीं, हाँ बस हमारे ब्रजवासी डोरीलाल प्रभु जी भजने गाएंगे, प्यारी प्यारी भजने सुनाएंगे। गुरु जी रहते समय ना इनका भजन को गुरु जी बहुत पसंद करते थे, गुरु जी और कहीं भी जाते थे ना, बोले डोरीलाल को बुला लो, उसको दामोदर को बुला लो, कहीं भी जाते थे गुरुदेव बोलते थे इनको बुला दो, बस ये अकेले गए तो बस सबको नचा कर पागल बना कर आ जाएंगे, हाँ खुद भी पागल, सबको ये पागल बना देते थे सबको। इसलिए कल से हम लोग कोशिश करेंगे जितना दूर हो सकता है, हाँ आज हो तो सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी भागवत की थोड़ा महिमा सुना दो, ठीक है जनार्दन तुम आ जाओ, थोड़ी सी भागवत की थोड़ा महिमा सुना दो, अच्छा ठीक है ठीक है, कहे आसो छिड़ा ही जाओ, हाँ कैसे करके नियम करके कथा सुने। आप 7 दिन में जो कुछ मांगोगे, पहला नियम है ब्रह्मचर्य रह करके कोशिश करना कथा को सुनने के लिए, ब्रह्मचर्य पालन साधा सीधा रूप में शयन करना। और इसी महीना में जो नियम है ना पुरुषोत्तम महीना में, सरसों नहीं खाना, सरसों का तेल नहीं खाना, जैसे मूंगफली तेल हो और घी में है, और घिया बैगन परवल ये सब चीज़ को नहीं खाना, टमाटर भी नहीं खाना, उड़द दाल नहीं खाना। देखो तीन साल बाद में एक बार आती है ना, इसलिए इसको कोशिश करना। जैसे ये नियम को 7 दिन के लिए, अभी तो रह गया 7 दिन करके रह गया, कम से कम ये भागवत कथा सुनते समय ये 7 दिन कोशिश करना इस सब नियम को थोड़ी सी पालन करने के लिए। और किससे लड़ाई झगड़ा करना नहीं, झूठ नहीं बोलना, सीधा साधा भोजन करना, जो भोजन करना ठाकुर जी को दे करके, ठाकुर जी को दे करके भोजन करना उसको, ठीक है। इसलिए एकदम थोड़ा नीति नियम का पालन करते हुए कोशिश करना जैसे कथा को सुनने के लिए।
आप जो कुछ मांगोगे, विशेष करके क्या मांगेंगे कि दुनियादारी चीज मांगने का जरूरत है नहीं, ठाकुर अपने आप दे देते, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत मकान दुकान ठाकुर तो वैसे ही दे देते हैं। ये चीज को मांगने का जरूरत नहीं, मांगो ठाकुर की भक्ति, उनकी प्रेम, उनकी सेवा ही मांगो। अगर भगवान की बेटा अगर आप बन गए तो ठाकुर को जितना सारी संपत्ति का मालिक तो तुम ही बन गया, सारे संपत्ति का, इसलिए मांगने का कोई जरूरत नहीं। पिताजी का सेवा करो, बस सेवा करोगे तो पिता सारे संपत्ति तो तुम पे देख रहे जाएंगे, सारे संपत्ति का मालिक तो तुम ही बनोगे, और कौन बनेगा। इसलिए उनसे क्या मांगो, उनकी चरण की सेवा, उनकी भक्ति, उनकी प्रेम को भगवान से प्रार्थना करना, ठीक है। इसलिए बहुत नियम और कायदे कानून से ही हमें भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। आपको पता होगा जिस समय भगवान राम भरत जी को अपना चरण युगल की पाद पीठ को प्रदान किया, पाद युगल को प्रदान किया, तो उन्होंने दंडकारण्य से उसको लेकर के अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हुए अयोध्या प्रदान, और उसके बाद वे जानते थे कि मेरे प्रभु जमीन पे सोएंगे, इसीलिए वो हमेशा उनसे थोड़े से वैराग्य जीवन यापन करने के कारण भगवान राम से थोड़ा सा सुख सुविधा से नीचे ही रहते थे, वो जमीन से गड्ढा बना करके उसमें खुद को रखते थे। भगवान राम क्या खाते थे, सस्य जाते फल कंदमूल यही खाते थे, है ना, औषधि कंदमूल यही खाते थे। इसलिए भरत जी क्या करते थे, भरत जी गाय, पता है ना, जब गाय कोई गेहूँ चावल इतने कुछ खा लेती है उसके बाद कुछ तो पच जाता है और कुछ पचता नहीं है, तो वो साबुत के साबुत जब मल के गोबर के माध्यम से निकल जाता है, उस गोबर को धोकर वो साबुत गेहूँ या कोई भी सस्य बीज आदि उसको धो करके पीस कर, सुखा के पीस करके उसको पानी में घोल करके इस प्रकार जीवन यापन किया। ठाकुर जी ने, राम जी ने जब सिखा करके सीता जी को दिया और सीता जी उस प्रसाद को जब लक्ष्मण को दिया, बोला नहीं, इतना ही था कि लक्ष्मण पकड़ो, 14 साल तक वो पकड़ते ही रह गए, कभी बोला ही नहीं खाना, तो खाए भी नहीं। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त दे करी आख्या आर ना करी ना मने आसर। इसलिए जो भी गुरु जी का वाक्य है उसको निर्विचार से और अपना कोई भी इच्छा को आगे ना रखते हुए पालन करके अगर हम तथा श्रवण करेंगे तो इसका फल अवश्य मिलेगा। और मिल भी रहा है इस कलयुग में, जिन्होंने भी इस नियम के साथ, हम क्या करते हैं, चाय भी पीते हैं, प्याज लहसुन भी खाते हैं, अनाप शनाप भक्त भी हैं, और अनाप शनाप संगत में रह करके अगर हम इन चीज़ों को करेंगे इसीलिए हमें फल प्रदान नहीं करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने उपदेश पाठ्यान में एक बात कहते हैं, तम्बाकू खाओ और औषध खाओ, मतलब दवाई भी खाएंगे और तम्बाकू भी खाएंगे तो कैंसर थोड़े ना ठीक हो जाएगा। इसलिए इस भागवत कथा की महिमा, जिसने ये कथा बोला है कौन, श्री सुखदेव गोस्वामी, इसीलिए शास्त्र का नाम सुख शास्त्र कथावाक। तो सुखदेव गोस्वामी अपना अनुभूति परीक्षित महाराज जी को कहते हैं कि परीक्षित, ये कथा को जो सुनता है उसको गोविंद के चरण की भक्ति प्राप्त है। बोले वो कैसे, और लोग हैं बड़े बड़े बातें तो कर देते हैं, क्या अभिज्ञता है या उपदेष्टा बन के फिर रहे हैं, उपदेशक तो बहुत है संसार में पर क्या अपने जीवन में भी कभी अनुभूति हुई है, और जिसको हुई वही इस बात को कह रहे हैं कि हाँ मेरे को हुआ। पहले सुखदेव गोस्वामी कौन थे, कि ब्रह्म निर्विकार निर्विशेष में विश्वास रखने वाले साधु थे। जन्म होने के बाद, उपस्थित होने के बाद तुरंत उन्होंने पिता माता को वैराग्य, इतना वैराग्य, इतना वैराग्य था, हम भजन करने के लिए साधु संत के पास आते हैं, जरा सोचो बद्रिकाश्रम का स्थान हो, सरस्वती की तट हो, अलकानंदा सरस्वती की स्थान बद्री विशाल धाम हो, और वहां पे ओंकार ध्वनि सुबह से सांझ तक उच्चारित होता हो, और वहां पे अगर इतने सुंदर सुरम्य स्थान पे बद्रिकाश्रम में और वेदव्यास जी के, जहाँ पे सारे साधु संत इकट्ठे होकर के कथा सुनने जाते हैं, वहां सुखदेव गोस्वामी अपने इस सारे वैराग्य परिपाटी को त्याग करके वो कहां चले जा रहे। तो
कृष्ण द्वैपायन में दिव्यासी को मन में संदेह हुआ कि मेरे को छोड़ करके जब सारा दुनिया मेरे पास भजन करने के लिए आता है, ये मेरे को छोड़ करके, मेरा बेटा होकर के मेरे को छोड़ करके कहाँ चला जाता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी को जब वो ढूंढते ढूंढने के लिए चार चेले को भेजे हुए, हृदय कथा सुनाते याद होगा आपको, तो उन्होंने बोले कि मेरा तोता उड़ गया है, तो उस तोता को पकड़ करके ले आओ। बोले तोता तो पकड़ करके ले आएंगे, एक बात बताओ, आपका तोता ही है, हमें पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने बोले कि बस एक बात तुम उनको बताना, पुतना उद्धार के एक श्लोक उन्होंने उनको बताया, अहो बद्धम स्तनकाल कंबा दयालु शरण ब्रजना, ऐसा शरण दयालु कौन हो सकता है जिसने, जो पुतना गोविंद को मारने के लिए अपने पयोधर में तन में कालकूट जहर को लगा करके हैं, बाल घातिनी, ऐसे बच्चों को मारने वाले, बच्चों को कौन मारते हैं पेट में, लगभग यही जो चुड़ैल लोग होते हैं, और इसने बच्चों को मारने के लिए इतना प्रयास किया है, इसीलिए बाल घातिनी है, उतना एक जाति का राक्षस है जो जिनका काम है कि बच्चों को खून पीना। तो ब्रजमंडल में ये कन्हैया को मारने के लिए आए थे, आए तो थे, परंतु भगवान ने उसके स्तन को पकड़ करके उसके प्राणों को जब चूसने लगे, तब उसने बोले मामुंच मामुंच, तो जब वो मुझे छोड़ दे, कन्हैया मेरे को छोड़ दे, भगवान बोलते हैं कि अब तो मैं एक तो ऐसे किसी को पकड़ता तो हूं नहीं, और अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो उसको बिना वैकुंठ धाम पर जाए कहीं पे उसको रास्ते में बीच रास्ते में छोड़ता तो हूं, इसीलिए तू चिंता मत कर, मैं तुझे मुक्त करूंगा। मां मुंच मुंच मतलब मुक्त कर दे और छोड़ दे। अब उतना को ये थोड़े ही पता है कि भगवान किस प्रकार उसको छोड़ेंगे, वो तो कहता है मेरे को कष्ट हो रहा है तू कन्हैया मेरे को छोड़ दे, पर भगवान कहते हैं मुंच मतलब मैं तेरे को मुक्त ही करके रहूंगा। तो ये बात जब सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं, कंबा दयालु शरण ब्रज में, ऐसा दयाल कौन हो सकता है जिसको जहर पिलाने के लिए आए हैं उसको भगवान ने मां की गति प्रदान करते हैं, और धाम में वैकुंठ धाम में नित्य माता के धात्र उचित गति प्रदान करते हैं। अब ऐसे वाक्य को सुन करके सुखदेव को स्वयं बोले ये तो बंदा बड़ा खतरनाक होगा, फिर ये तो ये जो व्यक्तित्व तो होगा इसका, ये इतना दयालु है तो इसको छोड़ करके किसका भजन किया जाए। बस उनके मन में एक चीज तो बैठ गया। अब उड़ करके आए, पूछे कि और कुछ मेरे को सुनाओ, उसका रूप कैसा है, वो करता क्या है, रहता कहाँ पे है, उसके घर परिवार, कुल आधिपत्य, विद्या, ये सब के बारे में बताओ। अरे विद्या, अरे कुल, अरे उसका यश, पूरा जगत विदित है और भगवान है वो, तो वो सारे विद्या के पूर्ण पूर्ण अधिष्ठात्री भगवान खुद ही है। तो जब इस प्रकार की उन्होंने उनको दूसरा श्लोक सुनाया, तो उन दूसरे श्लोक में उनके संपूर्ण रूप में उनके जो व्यक्तित्व की परिचर्या पठित किया गया था। तो दूसरा श्लोक जब बताते हैं, उस श्लोक को सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी वहां नहीं रह पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बस अब तो मेरे को अगर किसी का भजन करना है, कोई ब्रह्म को नहीं, कोई परमात्मा को नहीं, मेरे को तो ब्रज में कन्हैया लाल की सेवा ही करना है। इसलिए महाप्रभु के भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, न धर्मम न धर्मम श्रुति गणा निरुक्तम किल गुरु, श्रुतियों में, वेदों में, शास्त्रों में बहुत बातें हैं, पर हमें भी कभी कभार सुनने के लिए मिलता है कि भाई ये करें वो करें, कभी तो ये लोग कहते हैं ये करो कभी वो करो कभी वो करो, तो बड़ा कंट्राडिक्शन सा हो जाता है, तो करे तो करे क्या। तो इसलिए कहते हैं अगर कुछ नहीं कर पाते हो तो केवल एक ही काम करना, न धर्मम न धर्मम, कोई धर्म धर्म को जानने की जरूरत नहीं है। श्रुति गणा निरुक्तम कील गुरु, सकल शास्त्र की जितना भी मत है उसको परित्याग कर दो। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यम इह तनु, कि इस शरीर में केवल भगवान की ब्रज में, ब्रज राधा कृष्णम परिचर्या मानस करो, इतना करो कि चाहे वो अपराध हो चाहे ना हो, आप देखो ठाकुर जी भूखे बैठे हैं, अगर हम ज्यादा ही अपराध के विचार रखेंगे तभी तो हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए अपराध के बारे में जानते रहो, उसको सुधार करते रहो और साथ ही साथ भगवान की सेवा करते रहो। इसीलिए उन्होंने देखा कि मेरे को अब कुछ नहीं सुनना, अब मेरे को इन्हीं के लीलाओं को जो
अति मधुर है और निष्कपट रूप में जो वर्णन किया गया है इसी शास्त्र को मेरे को पढ़ना है। तो सुखदेव गोस्वामी जो पुतना मोक्ष के बारे में, पुतना उद्धार के बारे में परीक्षित महाराज को दशम स्कंद में सुनाते हैं, उससे पहले कहते हैं कि यही प्रसंग सुन करके मैं भागवत में मेरी रुचि हुई थी, इसलिए ये अनुभूति मेरे पास है। तो सुखदेव परीक्षित मैं तुम्हें ये बात सुना, इसलिए परीक्षित महाराज भी कृत्य कृत्य होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे साधु के पास से भगवत कथा को श्रवण करते हैं, भागवत कथा को श्रवण करते हैं जिसके पास ही भगवान के अनुभूति संपन्न है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के मुख से श्रवण करें, नहीं तो जाए कोई सा भी कितना भी सुवर्ण सुयोग आपको मिले, अगर वो व्यक्ति शुद्ध रूप में भगवत परिचर्या में तल्लीन नहीं है तो ऐसा व्यक्ति भी कभी हमारे उद्धार नहीं कर सकता, ना खुद का कभी भी उद्धार कर सकता है। इसलिए अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारत अर्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप वेदांत परिवर्णिता। ये वेद की दो परंपरा है, सौर्य परंपरा और बृहस्पति परंपरा, ब्रह्मा जी की परंपरा, स्मार्त परंपरा। तो ये परंपरा में कई प्रकार के चार वेद होते हैं, रूप साम यजुर अथर्व। इसमें भी वेद में से जो है उपनिषद होता है, और अगर आप वेद को देखो तो छह शास्त्र होते हैं, ज्योतिष अलंकार ये सब बहुत सारे शास्त्र होते हैं, धर्म विद्या और धर्मशास्त्र इससे भी निरुक्त, अव्यय, ये बहुत बहुत चीजें हैं। अगर हम बाजार जाते हैं ना ऋग्वेद अगर हम देखें तो इतना सा मोटा सा आपको बुक दे देंगे, पर समझ रहे ना वो बात, कभी ऋग्वेद नहीं हो सकता। इसमें मंत्र अलग अलग हो जाते हैं, जैसे अलग अलग परंपरा में अलग अलग मंत्र हो जाते हैं, अलग अलग उसमें निरुक्त अव्यय ये सब निकलता रहता है। तो अगर हम वेदों को इकट्ठा किया जाए तो इस बड़ोद में जितने भी जगह होगी ना वो मोटे मोटे ग्रंथ में भर जाएगा, पर शास्त्र खत्म नहीं होगा। और भगवान की जगत है त्रिपाद विभूति, और जहाँ पे अस्यामृतम त्रिपाद विभूति अस्यामृतम देवी, ऐसे त्रिपाद विभूति संपन्न भगवान की लीला की, धाम की जो लीलाएं होती है नित्य लीलाएं, उसको अगर संग्रहित किया जाए तो शायद ही एक पद विभूति सारे जगत भी कम पड़ जाए। इसलिए सनातन गोस्वामी अकेले संत हुए हैं जिन्होंने इतने शास्त्र रचना कर दी, वो मधुर रस के भी, वात्सल्य रस के भी, और भगवान की इतनी कथाओं को उन्होंने आलोड़न करके एक साथ सार संग्रहित कर दिया कि उन्होंने देखा कि जगत में कोई भी अधिकारी व्यक्ति नहीं है। अगर वे पढ़ेंगे तो रस में अधिकार ना होने का कारण उनका पतन भी होगा। इसीलिए आप वृंदावन जाओगे वहां पर एक मंदिर है, कौन सा मंदिर, सनातन गोस्वामी के कौन सा प्रतिष्ठित मंदिर, कौन बोलेगा, ठाकुर मदन मोहन जी के। सबसे पहले वृंदावन में वही ठाकुर जी आए, इसलिए जितने भी बड़े बड़े ठाकुर जी है ना, बांके बिहारी भी वो कहते हैं ना बड़े, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, राजस्व आता है हर राज्य से, ये मुख्यमंत्री अलग अलग जितने भी प्रदेश से राजस्व कर विभाग होते हैं, और वो कर विभाग जाकर के कहाँ पे देते हैं, प्रधानमंत्री जी को देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी हैं वो सारे के सारे ठाकुर जी इकट्ठे, जितने भी पैसा आता है ना वो सब मदन मोहन जी को आता है, बांके बिहारी राधा वल्लभ जितने भी बड़े बड़े ठाकुर जी हैं वो सब कुछ कर आदाय करके सबसे पहले कहाँ पे पहुंचाते हैं, मदन मोहन जी को पहुंचाते हैं। तो उनको जिस संत ने प्रतिष्ठा किया ब्रज में, उनको बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रजवासी बैठे हैं ये सब उन्हीं के माहौल में रहते हैं, तो वहां पे ब्रज में रूप और सनातन का बड़ा प्रख्यात नाम है। शायद ही पहले किसी ने वृंदावन को दर्शाया होगा, वो जानत मथुरा वृंदावन, वो जानत राधा माधव प्रीति, कौन जानता था माधव राधा माधव के क्या है वो श्रृंगार रस की पारकी अभाव को, और कौन उस रूप को, वो महाप्रभु की वैशिष्टता, राधा रानी की वैशिष्टता को शायद ही किसी ने दूसरे दूसरे संप्रदाय के रस उपासना के भक्तगण बाद में बताते कि उससे पहले इसको उद्घाटन किया किसने जगत में, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। तो ऐसे वैशिष्टदार जो सनातन गोस्वामी पाद जी है, उन्होंने इतने सारे ग्रंथों को रचना तो किया परंतु उस सबको कहाँ पे वो कर दिया, मट्टी के अंदर उन्होंने समाधि दे दी जिसको ग्रंथ समाधि के नाम से जाने जाते हैं। केवल उन्होंने अपने स्वयं रचित बृहद भागवत अमृतम को, जिसको कि परीक्षित महाराज जी जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाए उसके बाद जब उनके माँ उतरा के पलेड में कुछ पढ़ा नहीं तो उन्होंने कुछ समय के लिए उनको कुछ भागवत की कथा को संक्षिप्त रूप में ब्रीफली उनको बताया था, उसी को ही बृहद भागवत अमृतम कहते हैं।
जो कि सनातन गोस्वामी ने रचना किया था। तो ये सारे शास्त्रों को अगर हमें देखें ना, हमें समझ में कुछ नहीं आने वाला। आपको पता है एक मंत्र भी हमें याद नहीं रहता है। एक मंत्र की कितने छंद होते हैं, कितने समास के अनुसार कितने उच्चारण भी हो जाते हैं, परंतु हमें पता ही नहीं है। परंतु महाप्रभु ने आकर के जिस उपासना को हमें दिया, ब्रजे क्या है वो, आराध्य भगवान ब्रजस्तनय तत्धामं वृंदावनम रम्या काचित उपासना वजु दुर्गणे या कल्पिता। तो भगवान महाप्रभु कहते हैं कि अगर आपको भगवान की आराधना करना है तो कौन सी भगवान को आराधना करना है। जैसे शंकराचार्य कहते ना, मेरा इष्ट कौन है, मेरा शास्त्र कौन है, पर यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं हमारे इष्ट है आराध्य भगवान ब्रजस्तनय। कोई और नहीं, द्वारका की मथुरा भी नहीं है, ब्रजस्तनय मतलब ब्रज के लाल नंद के लाल कृष्ण कन्हैया है, जो ब्रज में नंगे पैर कभी उन्होंने चप्पल पहना नहीं, ऐसे भगवान ही हमारा आराध्य है। भाई आराध्य को बिठा दिया, अर्चन तो करना है, तो अर्चन कैसे करना है, कहते हैं अर्चन वैसे करना है जैसे ब्रज दुर्गणिया कल्पिता, जैसे उन्होंने उपचार किया। हम भगवान को निलाते हैं सड़स उपचार से, पंच उपासना से, सहस्त्र उपचार से भगवान को हम क्या करते हैं, उपचार करते हैं, निलाते हैं, खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर हमें भगवान को कैसे ब्रजस्तनों को प्रसन्न करना है, कौन से उपचार से, जैसे ब्रजवधुओं ने किया है, ब्रजमामाओं ने किया है, ऐसा उपचार करना है। अब कहते हैं कि उसको पुजारी तो होना चाहिए ठाकुर जी के, कौन घंटी बजाएगा, तो वो पुजारी कौन है, कहते हैं जो ऐसे अनुगत ब्रज बामाओं के भाव से जो भावित है, ऐसे भावित भक्त रसिक भक्त जो ब्रज गोपियों की आराधना करते हैं, ऐसे संतों की रसिक संतों के चरण में रह करके उनके भावों के अनुरूप ही हमें उसको क्या करना है, भगवान की आराधना करना है। तो ये सारे बिहारी लाल की जय, ब्रजमल भागवत कथा प्रथम की जय। सब ताली बजाओ। अरे आप अब लास्ट में बैठ गए, जोड़ लिया तो खत्म। अच्छा हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आराधिताय अभियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव भक्तलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद इष्ट कृष्ण श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। उसके उपरांत यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरण में कोटि कोटि। आज उमा दीदी के यहाँ महाराज जी को और हम सबको वहाँ पर चर्चा चल रही थी। महाराज जी कह रहे थे कि 5-6 दिन बाद, अभी 5-6 दिन हैं तो आखिरी दिन से हम श्रीमद् भागवतम प्रारंभ करेंगे। तो मेरे मुंह से निकला महाराज जी 5-6 दिन है तो अभी कर लीजिए 2-4 दिन के अंदर, और महाराज जी इतने कृपालु आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। अभी प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो केंद्र होते हैं भक्ति केंद्र, इसमें हमें किस प्रकार से शुद्ध आचरण सीखना चाहिए, किस प्रकार से शुद्ध भक्ति में हमें संलग्न रहना चाहिए। अनाप शनाप एक शब्द निकला है क्यों से, हम लोग चैतन्य महाप्रभु की धारा, गुरु परंपरा, और उस गुरु परंपरा में हम लोग भक्ति के छोटे छोटे सैनिक जितने यहां सब आप लोग बैठे हैं, और हमारी लड़ाई किससे, हमारी लड़ाई है माया से, हमारी लड़ाई है कलयुगी जीवों से, हमारी लड़ाई है कलयुगी जितने भी गलत गलत परंपराएं हैं, गलत आचरण हैं, झूठ से, इनसे लड़ाई है हमारी। और हम लोग क्या करते हैं, उस लड़ाई को भूल करके आपस में लड़ बैठते हैं, तो हम लड़ाई जीतेंगे या हारेंगे बताइए। किसी सेना में यदि फूट पड़ जाए तो वो सेना किसी दूसरी सेना को परास्त कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इसलिए
ये जो भक्ति केंद्र है ये एकमात्र शुद्ध भक्ति आचरण सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं। वो हमारे हृदय में यदि रहा तो निश्चित तौर से हम माया से लड़ सकते हैं, संसार से लड़ सकते हैं। लेकिन यदि संसार को लेकर के हम मठ में आ गए और मठ की बात नहीं समझे, संसार की बातें ही मठ में चलने लगे, तो उल्टा आचरण होगा और हम निश्चित तौर से परास्त होंगे। जिस प्रकार से एक सुंदर उदाहरण आता है, एक डॉक्टर साहब थे, पशुओं के डॉक्टर साहब। एक किसान जाता है, डॉक्टर साहब मेरी भैंस जो है 5-6 दिन से कुछ खा पी नहीं रही और उसको जो है मल भी नहीं त्याग रही, गोबर त्याग नहीं रही, कृपा करके आप जा करके उसको देख लीजिए। डॉक्टर साहब गए, पूरी नब्स चेक करी, अच्छे से लगाया कानों में वो होता है जो तार सा, उसको लगाकर चेक किया और कहा भैया इसको तो कब्ज है, अब उसे एक काम करो मैं इसका भी उपचार की देता हूँ, चिंता मत करो, कल से इसका गोबर भी होगा, सब कुछ होगा और ये खाना भी प्रारंभ कर देंगे। एक पाइप निकाला, पाइप में एक गोली दस्त वाली डाली और उस पाइप को भैंस के मुंह में डाला, ये इसको खाएगी नहीं, तो पाइप को डाला और जैसी फूक मारने की बारी आई भैंस के धसका लगा, भैंस ने उल्टा फूक मार दी और डॉक्टर के मुंह के अंदर और पेट में आ गई। अब हुआ क्या, डॉक्टर दस्त लगे उल्टा। तो यही हमारा हाल है, हम क्या करते हैं संसार की बातें लाकर के यहां की बातें भूल जाते हैं और उल्टा हम जो है दस्त कर बैठते हैं, जबकि संसार को दस्त कराना है। याद रखिएगा वो कैसे होगा, वो प्रेम से होगा। उसके लिए श्रीमद् भागवतम गुरु जी यहां बार बार करते हैं, तो जोरदार तालियां श्री गुरुदेव की। तो हमें ये याद रखना है ये जो रास्ता है बहुत सुंदर है, पवित्र है, लेकिन बिना प्रेम के ये रास्ता आपसे पार नहीं होगा। हृदय में यदि प्रेम नहीं, आचरण यदि सुधरा नहीं, दिखावा मात्र रह जाएगा, फिर 84 लाख की योनि में बार बार चक्कर काटना। उसके लिए अभी जैसे उमा दीदी बहुत सुंदर तरीके से बता रही थी, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ उनका और क्या कहती है कि मैं जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो मैंने गुरुदेव का स्मरण किया मात्र, हे गुरुदेव बस आप ही रक्षक हैं मेरे। और वो कह रही है निरंतर मैं बेहोशी अवस्था में भी श्री गुरुदेव का दर्शन किया मैंने। तो ये सत गुरुदेव की पहचान जो ये आप लोगों को हम सबको देने आए, ये पग पग में हमारे साथ खड़े, चाहे पूरी है चाहे वृंदावन है कहीं भी है, ये हर समय हमारी प्रगति के लिए हमारे रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। लेकिन ये दर्शन किसको होंगे, जो सत शिष्य होगा। सदगुरुदेव उसको प्राप्त है जो सत शिष्य बनेगा, सुलभ सबके लिए है, लेकिन जो वास्तविक सुलभता प्राप्त करेगा वो निश्चित तौर से सत शिष्य उसको बनना भी पड़ेगा, अन्यथा वो समझ नहीं पाएगा कि गुरुदेव क्या देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारी करोड़ों जन्मों की जो यात्रा चली आ रही है, बार बार जन्म ले रहे हैं, ये मनुष्य तन तो मिल गया हमें भगवान की करुणा से, लेकिन हमने इसका सदुपयोग नहीं लिया तो क्या होगा, फिर से हमें 84 लाख में जाना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली गधा तो डंडे से मारेगा, कुछ होगा, और इंसान भी बनेंगे तो गधे जैसे ही जीवन, तो क्या लाभ। इतना उत्कृष्ट जीवन गुरुदेव दे रहे हैं, हमें वैष्णव परंपरा में ला करके दीक्षित करके शुद्ध भक्ति में लगा रहे हैं। तो एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कथा अब प्रारंभ करेंगे। आज समय बहुत हो गया, आप लोग घर में बताकर नहीं आए होंगे, मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा आज यहीं पर अगर चिराग से या आप खुद से बोलना चाहें तो बड़े से बोलते हैं बस बात। हरे कृष्ण 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 कृष्ण
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पद्म पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन वैष्णविया आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। समय भी अधिक हो गया पर श्रीपाद श्री महाराज जी की आज्ञा है कि मैं कुछ कहने का प्रयास करूँ। श्रीमद् भागवत जी की कथा कल से प्रारंभ होनी है पर आज उसका समीकरण हो गया है। देखिए श्रीमद् भागवत जी अपूर्व दिव्य भाव से यह ललित माधुरी यह दिव्य कथा जिसमें साक्षात श्री कृष्ण एव ही भागवता स्वरूप श्री भगवान श्री भागवत जी है। देखिए जब परीक्षित उस समय जब परीक्षित सभी संतों के मुख की तरफ देख रहे थे कि मुझे तक्षक डसेगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे पास मात्र 7 ही दिन है तो मेरा क्या होगा, क्या मुझको मुक्ति, क्या मुझको परम पद प्राप्त होगा, क्या मेरे ये 7 दिवस शुभ संकल्प से प्रतिष्ठित होंगे। तब उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। कोई संत कह रहे थे कि यह उपाय कर लो, कोई कह रहे थे यह उपाय कर लो, पर परीक्षित की दृष्टि उस उपाय की तरफ थी जिससे स्वयं श्री भगवान की गोदी तक पहुंचा जा सके। इस कारण से जब कोई उपाय नहीं मिला तब परीक्षित उदास हताश हो गए। लेकिन देखा फिर दूर से श्रीमान व्यास मुनि सुतो विजयते गच्छत् परीक्षित सभाम। जब पता चला तो दूर से देखा परीक्षित ने कि मन मन मुस्कुराते हुए श्रीपाद सुखदेव पधार रहे हैं। एकदम से सुखदेव जी पधार रहे हैं। उनके पितामह व्यास से कहा पाराशर ने, देखो व्यास जी आपके बच्चे चले आ रहे हैं। तो एकदम से पाराशर ने अपनी दाढ़ी को खोल दिया और सारे की सारी भूमि को अपनी दाढ़ी से साफ किया। सारे के सारे संतों ने अपने उठाकर के उत्तरीय बिछा दिए, आओ सुखदेव। तो महाराज सुखदेव जी जैसे ही पहुंचे हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा क्या मेरी मुक्ति संभव है। तो परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से कहा क्या मेरी मुक्ति संभव है। तो सुखदेव जी ने कहा अरे मैं सब तेरा 7 दिन में तेरे उपाख्यान का संपन्न होना निश्चित हो गया है, लेकिन 7 दिन के अंत में यदि एक क्षण पूर्व भी मैं यदि वहां पहुंच जाता, यदि तेरा वाक कंपित विकृत और विचूर्णित हो गया होता, यदि तेरी आंखें बाहर निकल आई होती, यदि तेरे शरीर के सारे अंग शिथिल हो जाते, उस समय भी यदि मैं आ जाता ना तो चुटकी बजा करके तुझे मुक्ति दे देता। अब मुक्ति छोड़, 7 दिन तू भी बैठ और 7 दिन मैं भी बैठूंगा और ऐसी दिव्य अपूर्व दिव्य भाव की चर्चा रसप प्रवाह से करेंगे कि 7 दिन उपरांत साक्षात ठकुरानी राधा रानी अपनी गोदी को पसारे तेरा इंतजार करती हुई आओ परीक्षित चले आओ ऐसा उद्गीह कर दे। इस कारण से यह दिव्य भागवत जी का श्रवण मंगल ही मंगल प्रदान करेगा महाराज, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। प्रथम स्कंध से लेकर के 12वें स्कंध तक श्री भगवान की दिव्य रस माधुर्य स्वरूप का ही वर्णन है। प्रथम स्कंध जो है आदौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुरीयौ कथितो यदूरु नाभिस्ततः पञ्चमयेन षष्ठौ भुञ्जावतं तौ युगलत्तथान्यौ कण्ठस्तुराजं नवमौ यदीयौ मुखारविन्दं दशमत् प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकं शिरोद्यद्वादशैव भाति। हर एक चीज हर एक शास्त्र की समीक्षा बड़े ही दिव्य भाव से होती है। यहाँ परीक्षित और सुखदेव का दिव्य संवाद ही भागवत है, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी अपूर्व दिव्य भाव से भगवान की दोनों रसलीला है। वहां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के भी दिव्य प्रसंग का उन्मेलन उद्गी
सिंह इत्यादि समस्त अद्भुत अद्भुत है। जब लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को वन में छोड़ाए तो लक्ष्मण जी वापस अयोध्या चले गए। जानकी जी खड़ी हैं, सोच रही हैं, अरे मैं एक दिव्य चक्रवर्ती की कुलवधु हूँ, साक्षात सम्राट दशरथ, साक्षात जनक लली हूँ, जिसने कभी नीचे स्पर्श जिसने कभी नीचे पैर नहीं रखा, सदा दास दासियां जिसके आनंद आनंद के लिए उत्तुंग रहते थे, ऐसी मैं जानकी आज वन में मेरा प्रतिष्ठान हुआ है, क्या कारण है, क्या मेरे लिए सभी के मन में ऐसी भावना है, क्या मेरे लिए श्रद्धा खत्म हो गई, क्योंकि वो साक्षात भगवती जानकी जी ऐसे दिव्य भाव से उदय हुई है। गौरांगी मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्रागिमा वक्षोजे गरिमा तथेव तनिमा मध्ये गतुर मंदिमा, ऐसी जानकी जी जिनकी सुंदरता कहूं सुंदर कर रही, सुंदरता को भी जो साक्षात सुंदरता प्रदान कर देती हैं। एक बार जानकी जी का मन हुआ कि सरस्वती जी से वीणा सुनूं, तो भगवती जानकी बैठी हैं और साक्षात ब्रह्मलोक से सरस्वती का आविर्भाव हुआ है और बैठे हैं दोनों, तो सरस्वती जी ने वीणा छेड़ी है और वीणा के दिव्य तार को संघर्ष करते हुए सरस्वती ने अल्पअल्प दिव्य राग का प्रवाह किया है। लेकिन महाराज जब सरस्वती जी ने सारा का सारा संगीत गा दिया, राग गा दिया और सीता जी से पूछा, कहिए भगवती कैसा लगा, तो जानकी जी ने केवल एक ही बात कही, साधु साधु। बस ये दो शब्द साधु साधु सुनते ही सरस्वती जी अपनी वीणा को समेट सुमेट करके भाग गई और ब्रह्मलोक में, कि जिनकी केवल दो शब्द ऐसे माधुर्य युक्त है उनके सामने क्या मैं टिक पाऊंगी। तो जानकी जी सोच रही है, क्या मैं इस अवस्था में पहुंच गई हूँ, क्या श्री भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया है, और वो आंख में से अश्रु प्रवाह हो रहा है, वो आंख में से अश्रु प्रवाह हुआ और वो आंसुओं की बूंद महाराज नाक को छूते हुए उनके होंठ का अतिक्रमण करते हुए थोड़ी पर दो क्षण रुकते हुए जैसे ही पृथ्वी पर गिरना चाहा सोई वाल्मीकि कमंडलू लेकर के आगे बढ़ करके उसने वो अश्रु बिंदु अपने कमंडलू में धारण कर लिया, क्योंकि यदि वो अश्रु बिंदु पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी रसातल में डूब जाती, इसलिए शोकः श्लोक समत्व आगतः, उस शोक के अश्रु से ही वाल्मीकि रामायण के अद्भुत प्रसंग का निर्वाचन करण हुआ है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा करते सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय। हाँ प्रभु जी, कितने से कितने तक कथा हुई प्रभु जी बताओ सबके साथ, आज ठीक है, इसलिए फिर आपको घर में जा करके भी खाना बनानी है ना, इसलिए आप बताओ तो बना के आ जाते हो, वाह वाह तेज हो, इसलिए हाँ आप लोग बताओ कितने से कितने समय तक अगर कथा हो जो कि आप लोग आसानी से सुन सकते हो। अभी हमारा दिन भी जो है छिपने जल्दी लगा है, हाँ ठीक है, 6 से 8:30 सही है ना, मुझे लगता है 8:30 होगा ना, इसके अलावा
सुबह सुबह कोई लोग आते सीधा महाराज जी से मिलने जाते हैं, बिल्कुल ना जाए, महाराज जी का दर्शन यही होगा आप लोगों को सुबह और शाम। कोई भी वहाँ अंदर ब्रह्मचारियों से भी ना मिले, क्योंकि कोरोना चल रहा है। कुछ भी जैसे हम लोग बाहर से आते हैं और लापरवाही वश कुछ हो गया तो अच्छी बात ना होगी, इसलिए कृपा है आप गुरुदेव की हम सब पर कि आप लोग अंदर जाने का प्रयास ना करें। ये निवेदन है आप लोगों से, जो भी कुछ कहना है सुनना है सुबह और शाम कीजिए। दोपहर में महाराज जी विश्राम कर रहे हैं या ब्रह्मचारी विश्राम कर रहे हैं, वहाँ जाने का प्रयास ना करें, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। आप सबसे निवेदन है कोई भी अंदर ना जाए जब तक महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। यहीं पर सुबह शाम आपको ऐसे ही दर्शन हो जाएंगे। कोई बात हो इसका अतिक्रमण ना करें, यहीं से पूछ लीजिए, सब कुछ यहीं समाधान हो जाएगा। और आप सब सब समझदार हैं, मास्क जो होना चाहिए आपके पास, सैनिटाइजर ना हो तो इधर हम साबुन वगैरह रख देंगे, साबुन से हाथ धोकर के फिर बैठे। और वो क्या रखा हुआ है? हाँ, सैनिटाइजर रखा हुआ है। और थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें, कम से कम 2-2.5 गज दूर बैठे एक दूसरे से, जिससे कि देखो अभी तो आज हमने अचानक ही प्रारंभ किया, गुरुदेव की सुन करके इतने लोग आ जाते हैं, और जब कथा के बारे में सुनेंगे तो थोड़ा बढ़ेगी भीड़। तो आप लोग जो है भक्ति के सैनिक हैं, अब आप लोग सबकी सुरक्षा जब कर पाएंगे, जब अब खुद सुरक्षित होंगे, हम लोग अपनी सुरक्षा अपने हाथ में और दूसरे की सुरक्षा हम दे पाएंगे, तो ये सब बात पे ध्यान रखते हो। ठीक, यहाँ पर 5-5:30 आप लोग आ जाएं, 5:30 बजे यहाँ कथा पर आना है, 8 बजे कथा का पूरा विश्राम दें। ठीक है, टाइम से आएंगे तो टाइम को विश्राम दे देंगे, फिर आप घर में भी भजन भजन बनाएंगे, भजन बढ़िया कर आप खड़े हो। जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। मोर मुकुट कट काछनी कर मुरली बनमाल, यह वानिक मोह मन बस्यो कुंज बिहारी लाल। महाराज जी, यो नोएडा में अपना जो मठ है वो कुंज बिहारी गोड़ी मठ ही है, कुंज बिहारी गोड़ी मठ होता है। ठीक है, कोई बात कुंज बिहारी जी, हरि बोल। यह राम के मोह मन बसो राधा विनोद बिहारी लाल। श्री राधा विनोद बिहारी जी की सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम में जब कीर्तन होगा मास्क तो बहुत जरूरी है और 2 गज की दूरी भी रखना, और जो भक्त लोग नृत्य करेंगे वो नृत्य करेंगे, ये सबका स्वागत कुछ भक्त लोग ताली बजा करके करें भाई, यानी कि सभी खड़े हो यहाँ, सभी खड़े रही है। जय जय श्री राधे। तो देखो आइए आनंद लेते हैं भगवान भक्त भक्त। रात श्याम सपने में आए दही पी गए सारा रा 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 Yeah.
सुख कारणी
एक बार निवेदन सभी भक्तों से, प्रसवानंदनी गुरुदेव की लाडली जी एक बार जयकार हो जाए, दोनों हाथ ऊपर करके प्रसवानंदनी श्री लाडली जी की नवदीप बारी की नंदिनी श्री लाली बरसाने वाली की रंगीली गली की पीर पोखर वाली की गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे ओ मेरी करुणा मैया सभी आनंद लेंगे जो दीक्षित भक्त होंगे जो रसिक हैं वो इसका आनंद डूब करके लेंगे जय जय श्री राधे मेरी करुणा मैया रे मेरी कृपा मैया Oh,
Ah!
के लिए उसने बताया कि स्त्री पुत्र परिवार बल व प्रतिष्ठा यहाँ तक गवर्नमेंट पर मिल सकता है लेकिन संतों का दर्शन चौबीस तक मिल सकता है लेकिन संतों का दर्शन उनकी अहित की कृपा और उनका समागम ये किसी किसी भाग्यशाली का होता है। तो अंतिम लाइन में बताया संतों के समागम के बारे में सारी भैया सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ है बहुत ही दुर्लभ है। वो बड़ा भाग्यशाली है कि संतों को दर्शन प्राप्त करता है उनका अनुभव और उनका संग प्राप्त करता है। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। जय जय श्री राधे। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ है। अब दो मिनट लूंगा। जय जय श्री राधे राधा राधा राधा।